उसके बाद जो टैक्स सीट, तो जैसे भी आप देख सकते हैं मेरे हाथ में वीवो वाई 19। तो आज हम इसके कुछ अनबॉक्सिंग वगैरह नहीं करेंगे और मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं बताने वाला हूँ कि इसकी कंपैरिजन किसी और फोन के साथ, बट आज मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा इसके टॉप 10 ऐसे फीचर्स जो इस फोन को यूनिक बनाते हैं। और आज हम बात करेंगे शायद यहाँ पर 10 या उससे ज्यादा फीचर्स की। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इसका डिजाइन दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि जो इसका डिजाइन है वो बहुत ही यूनिक है, क्योंकि इसके अंदर आपको मिलती है 5000 mAh की बहुत ही बड़ी बैटरी, प्लस साथ ही साथ इसके अंदर आपको मिलता है एक फास्ट चार्जर। तो यहाँ पर जैसे कि आप इसके बॉक्स पर देख सकते हैं, यहाँ पर मिलता है आपको 18 वॉट का फास्ट चार्जर, प्लस यहाँ पर आपको मिलता है एक रिवर्स चार्जिंग का ऑप्शन, मतलब आप इस फोन से कोई दूसरा फोन भी चार्ज कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर आज हम बात करेंगे इसके टॉप 10 ऐसे फीचर्स जो इसे यूनिक बनाते हैं। और आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कौन सा फीचर सबसे ज्यादा पसंद है या फिर कौन सा फीचर्स आपको ऑलरेडी पता था। बट गाइस, आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम पहले फीचर की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो पहला फीचर हमारा निकल के आता है वो आता है इसका डार्क मोड। सो बेसिकली डार्क मोड क्या होता है, ये आपके पूरे जो फोन का यूआई होता है उसे ब्लैक कन्वर्ट कर देता है। जैसे ही हम अपने फोन को पूरा वाइट से ब्लैक में कन्वर्ट करते हैं, तो इसमें जो क्या होता है ब्लू लाइट का जो इफेक्ट होता है वो आपकी आंखों पर नहीं पड़ता है। इसे आप डायरेक्ट सेटिंग्स में से भी जाके ऑन कर सकते हैं, प्लस आप इसे शेड्यूल भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें टाइमिंग वगैरह भी लगा सकते हैं कि कितने बजे से कितने बजे तक इसे ऑन करना है, ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, या फिर आप बाहर से ही कंट्रोल सेंटर से इसे इनेबल या फिर डिसेबल भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसका इफेक्ट ये होगा, जब भी आप रात में सोते हैं तो ब्लू लाइट की वजह से हमें ठीक से नींद नहीं आती है या फिर हम डीप स्लीप में नहीं जा पाते हैं, तो इसे ऑन करने के बाद हमें काफ़ी अच्छी नींद आएगी और ये हमारी आंखों को बहुत ही कम हार्म पहुंचाएगा और ये हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी बेस्ट है, आप इसे यूज़ कीजिए। सो गाइस, अब बात करते हैं हम सेकंड फीचर की। तो सेकंड फीचर जो निकल के आता है वो आता है आपका डायनेमिक आइकन्स। सो बेसिकली डायनेमिक जो आइकन्स होते हैं वो किस टाइप से काम करता है मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप अपने किसी भी स्क्रीन से होम स्क्रीन पर जाते हैं और अगर वहाँ पर किसी भी एप्लीकेशन में, फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप मैसेजेस फोन, अगर किसी भी एप्लीकेशन में कोई नोटिफिकेशन आता है तो वो आइकन आपको रोटेटिंग यानी कि घूमता हुआ दिखता है। तो ये जो फीचर है ये काफ़ी बेस्ट फीचर है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी आइकन्स पे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, ये बिल्कुल जीरो है, तो इसलिए आपको घूमता हुआ नहीं दिख रहा है। बट इस छोटी सी क्लिप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ही कैसे आइकन्स घूमते हुए आपको दिख रहे हैं। तो जब भी कोई भी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप जैसे होम पर जाएंगे तो वो आइकन आपको साथ ही साथ रोटेट घूमता हुआ भी आपको दिखेगा। तो गाइस अब मूव करते हैं हमारे थर्ड फीचर की तरफ, जो कि निकल के आता है बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है, जो कि सेम आपका डायनेमिक आइकन्स जैसा ही था, जो कि अब निकल के आया हुआ है राउंडेड कॉर्नर्स ऑफ आइकन्स। सो बेसिकली जैसे कि आप नाम से समझ सकते हैं, जैसे होम स्क्रीन सेटिंग्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा ये, तो राउंडेड कॉर्नर्स जो हैं हमारे, हम किसी भी आइकन्स को शेप कर सकते हैं विदाउट किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के। तो ये जो फीचर है ये बहुत ही सिंपल फीचर है, आपको कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी है प्ले स्टोर से ना ही कहीं और से, आपको कोई थीम भी डाउनलोड नहीं करनी है, आप जस्ट सेटिंग्स में जाके इन्हें शेप कर सकते हैं आपके आइकन्स को। तो जैसे कि आप सेटिंग्स में देख सकते हैं मैंने इन्हें पूरा का पूरा राउंड कर दिया है, तो जैसे ही मैं वापस जाऊँगा ये लोड होता है और पूरे के पूरे जो आइकन्स हैं वो शेप चेंज कर देते हैं। अभी जैसे कि मैं सर्कल इसका शेप करा हुआ है, वापस अगर मैं सेटिंग्स में जाता हूँ और मैं इन्हें किसी भी शेप में कर सकता हूँ, आपको चाहो तो मैं इसे स्क्वायर भी कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जस्ट आपको पीछे की तरफ से ड्रैग करना है और सारे के सारे आइकन्स विदाउट किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के ये स्क्वायर हो गए। तो ये काफ़ी बेस्ट फीचर है, यहाँ पर आप इसे यूज़ कर सकते हो और काफ़ी अट्रैक्टिव फीचर है ये। सो गाइस अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर की तरफ, जो कि आपका राउंड कॉर्नर आइकन से ही रिलेटेड है, क्योंकि ये भी थीम वाला ही एक ऑप्शन है। जैसे ही आप होम स्क्रीन सेटिंग्स में जाके सर्कल स्लाइडिंग स्क्रीन को ऑन करते हो, तो नॉर्मल इसे ऑन करने के बाद आप देख सकते हो जो आपके होम स्क्रीन को जब स्लाइड करते हो तो एंडलेस लूप बन जाता है। आप जितना मर्जी लेफ्ट या फिर राइट की तरफ इसे स्क्रॉल कर सकते हो, बट जैसे ही आप सेटिंग्स में जाके इसे ऑफ करते हो तो अभी स्लाइडिंग नहीं होगा, ये एक लॉक हो जाता है। लेफ्ट और राइट दोनों की तरफ ही आपको लॉक मिलेगा। ये बहुत छोटा फीचर है लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, समटाइम्स हम इसे मिस करते हैं। तो अगला फीचर यहाँ पर निकल के आता है, जैसे ही आप डायनेमिक इफेक्ट में जाते हैं तो आपको यहाँ पर मिलता है एक अनलॉक एनिमेशन स्क्रीन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे ही आप किसी भी स्क्रीन से होम स्क्रीन पर जाते हैं तो यहाँ पर जो इफेक्ट होता है फ्लाइंग इन फ्लाइंग आउट, और आपका जो भी आप इसमें नन भी कर सकते हैं, कोई भी इफेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो किसी भी स्क्रीन पर से जब भी आप होम स्क्रीन पर जाएंगे जो इफेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है वो आपको मिलता है डायनेमिक इफेक्ट। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी आप कह सकते हो सेटिस्फाइंग है। आप बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के इसे भी इनेबल कर सकते हैं और कस्टमाइज कर सकते हैं आपके सेटिंग्स में जाने के बाद। तो ये फीचर काफ़ी बेस्ट है। सो अगले फीचर की बात करेंगे, अभी मैंने आपको बताया अनलॉक होम स्क्रीन का जो इफेक्ट होता है वो यहाँ पर आपको मिलता है। उसके जैसे ही आप नीचे की तरफ देखते हैं एक बार बैक करके, यहाँ पर आता है आपका
फेस रिकग्निशन इफेक्ट। तो यहाँ पर एनिमेशन जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये जैसे आप फेस अनलॉक करते हैं अपने फ़ोन को, जो इफेक्ट वहाँ पर शो होता है उसे आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप ये फेस वाला भी आइकन लगा सकते हो और बहुत ही यूनिक इफेक्ट लगा सकते हो। अगला फीचर जो निकल के आता है वो आता है यहाँ पर चार्जिंग एनिमेशन। तो चार्जिंग एनिमेशन बेसिकली यहाँ पर ये देख सकते हैं कितना सेटिस्फाइंग है ये, और इसे भी आप कंट्रोल कर सकते हो इसकी UI के अंदर जाके। तो ये भी इसका एक अच्छा फीचर आप कह सकते हो फ़ोन का, जो कि आपको एक बहुत ही सेटिस्फैक्शन फीलिंग देता है। आप सारे एनिमेशंस को भी कंट्रोल कर सकते हो। सो गाइस, अब हम बात करेंगे अगले फीचर की, जो कि निकल के आता है इसका अल्ट्रा गेम मोड। तो बेसिकली जैसे कि आप नाम से समझ सकते हैं ये गेमिंग रिलेटेड है। सो बेसिकली यहाँ पर एप्लीकेशंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन सी एप्लीकेशन के ऊपर ये अप्लाई होगा। तो अभी मेरे पास कुछ ज़्यादा एप्लीकेशन इस फोन में है नहीं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। प्लस यहाँ पर आपको मिलता है गेम असिस्टेंट, बैकग्राउंड कॉल, ब्लॉक नोटिफिकेशन, रिजेक्ट भी कर सकते हो आप ऑटोमेटिक कॉल जैसे कोई कॉल आती है। और आप गेम का फॉर एग्जांपल अगर आपको गेम खेलना है उसमें आपको कोई हाई स्कोर है, कॉल आने के बाद तुरंत ही वो आपका स्कोर डिलीट हो जाता है, तो आप इसमें ऑटो आप लगा सकते हैं कि अलाउ सम कॉल्स या फिर सारी कॉल्स आपकी रिजेक्ट करनी है जब आप गेम प्ले करते हैं। तो सिर्फ आपको हल्का सा नोटिफिकेशन मिलेगा और सारी जो भी कॉल आएंगी वो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएंगी और बैकग्राउंड में ही सिर्फ वो रिंग होके साइलेंट हो जाएंगी। तो ये चीज़ काफ़ी बेस्ट है। प्लस यहाँ पर आप इनकी नोटिफिकेशन वगैरह भी ब्लॉक कर सकते हो, ऑफ स्क्रीन ऑटो प्ले कर सकते हो और परफॉर्मेंस प्रेफर्ड भी कर सकते हो। मतलब आप अपने फ़ोन को पूरा गेमिंग कंसोल भी बना सकते हो इस मोड के थ्रू। तो ये काफ़ी यूनिक मोड है। अब हम बात करते हैं इसके अगले फीचर की, जो कि निकल के आता है इसका मोटर बाइक मोड। तो गाइस जैसे कि आप नाम से समझ सकते हैं कि ये एक मोटर बाइक मोड है। जब भी आप 10 किलोमीटर से ऊपर बाइक चलाओगे तो ये ऑटोमेटिक इसे डिटेक्ट कर लेगा और आप कोई भी कॉल नहीं उठा सकते हो जब भी आपकी बाइक चल रही होगी। हाँ, आप फ़ोन उठा सकते हो लेकिन उसके लिए आपको बाइक रोकनी होगी। तो ये काफ़ी बेस्ट है, इसमें आपका ऑटो रिजेक्ट सारी कॉल्स होती हैं, म्यूट सारे नोटिफिकेशन हो जाते हैं और जो भी आपका स्पीड है, जो भी आपका इसमें जैसे कि 10 किलोमीटर की स्पीड होती है, जब तक वो बाइक उससे नीचे नहीं आएगी यानी कि रुकेगी नहीं, तब तक आप इसमें कॉल नहीं उठा सकते हो। तो ये काफ़ी बेस्ट है और आपकी सेफ्टी के हिसाब से काफ़ी यूनिक मोड है ये। सो गाइस, जब बात करते हैं अब उसके अगले फीचर की, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। ये फीचर मेरा सबसे फेवरेट फीचर है। इस फीचर को मैंने पहले बहुत आईफोन में यूज़ करा और एप्पल में अभी भी इसकी जेस्चर्स आते हैं। सेम आप कह सकते हो ये जेस्चर एप्पल से इन्होंने कॉपी करा है या फिर आप कह सकते हो वहाँ से इन्होंने लिया है या वहाँ से इंस्पायर होकर इस फोन में आए। तो बेसिकली यहाँ पर आप सबसे पहले आपको बता दूँ कि जो नेविगेशन की है उसे भी आप उसका डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं और उसे आप लेफ्ट राइट जैसे मर्जी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर मैं आपको नेविगेशन जेस्चर की बात करूँगा, यहाँ पर आप जो शॉर्टकट्स हैं उसे आप बीच में भी ला सकते हैं, लाइट राइट भी कर सकते हैं, लेफ्ट भी कर सकते हैं और आप उसे मिडिल में भी कर सकते हैं, मतलब आप उसे कहीं भी लगा सकते हैं। सेकंड थिंग, मैं अभी आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि बेसिकली मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आप अपने लेफ्ट वाले स्क्रीन पर बीच से स्वाइप करते हैं राइट की तरफ तो ये बैक हो जाता है। अगर आप राइट की तरफ करते हैं राइट टू लेफ्ट बीच स्क्रीन में तो ये आपका राइट हो जाता है, और अगर आप राइट रबर डाउन वाले कॉर्नर में करते हैं तो यहाँ से ये आपका स्विच हो जाता है प्रीवियस विंडो पे। और यहाँ पर आप जैसे होम पर होल्ड करके रखते हैं तो ये मतलब आप कह सकते हो कि सेम टू सेम ये जेस्चर्स जो हैं बहुत ही कमाल के जेस्चर हैं। आप पूरा फ़ोन बहुत ही स्मूथनेस की तरह से यूज़ कर सकते हो। तो ये मुझे काफ़ी बेस्ट लगा है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसे लगते हैं ये फीचर्स। सो गाइस, अब हम बात करेंगे इसके अगले दो लास्ट फीचर के बारे में। तो दोनों जो फीचर्स हैं बहुत कमाल के हैं, बहुत छोटे छोटे फीचर्स हैं बट बहुत यूनिक हैं। जो लास्ट सेकंड जो फीचर है वो है स्मार्ट क्लिक। तो बेसिकली स्मार्ट क्लिक के अंदर आप टर्न ऑफ फ्लैश लाइट, रिकॉर्ड ऑडियो, ओपन कैमरा और फेसबुक और मतलब कोई भी एप्लीकेशन आप इसमें लगा सकते हैं। बेसिकली आपको इसे ऑन करना है और सेट करनी है कोई सी भी एप्लीकेशन या फिर कोई सा भी ऑप्शन। तो जैसे आप वॉल्यूम डाउन को होल्ड करके रखते हैं, दबाते हैं, तो विदाउट कोई भी बटन या फिर विदाउट फोन को अनलॉक करें आप उस एप्लीकेशन या उस कमांड को एक्सेस कर सकते हैं आपके फ़ोन पर। तो ये काफ़ी बेस्ट है। तो अभी तो मैंने यहाँ पर सिर्फ फ्लैश लाइट लगाई हुई है। सो अगला फीचर जो है लास्ट का वो निकल के आता है फाइल सेफ बॉक्स। तो बेसिकली आप नाम से समझ सकते हैं कि फाइल का सेफ बॉक्स है। यहाँ पर आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं और यहाँ पर आप फोटो, इमेज, ऑडियो, EPK फाइल्स, पिक्चर्स, मतलब आप यहाँ पर अपना जो सीक्रेट डेटा डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर रख सकते हैं। तो जैसे अभी आप देख सकते हैं मैंने एक फोटो यहाँ पर मूव कर दी है मेन गैलरी से इसके अंदर, तो मैं जो भी अपना पासवर्ड लगाया पासवर्ड डालूंगा तो वो फोटो यहाँ पर शो हो जाएगी। आप इसमें अदर्स भी डाल सकते हैं, डॉक्यूमेंट भी डाल सकते हैं, वीडियो, जिप फाइल्स, APK सारी चीज़ें यहाँ पर सिक्योर और सेव कर सकते हो। और सबसे अच्छा इसका जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि इसमें कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आपको नहीं चाहिए, जिससे आपकी फ़ोन की परफॉर्मेंस भी बनी रहेगी और आपको नेक्स्ट लेवल सिक्योरिटी भी मिलेगी और ये काफ़ी बेस्ट है।
तो आशा करता हूँ गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक दिस वीडियो और बाय फॉर नाउ, सी यू नेक्स्ट टाइम।